Now, decentralization. This is our last topic of this chapter. So let's see. What is decentralization? It refers to the systematic dispersal of authority to the lower level of organization. Decentralization क्या है? एक systematic authority है जो आप अपने organization में lower levels को देते हैं. An organization is said to be decentralized when the manager at middle and the lower level are given to the requisite authority to take decisions and appropriate actions on matter relating to their respective areas of work. बेसिकली आपको सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है जहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग अपने लोअर लेवल को यानी कि सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को ठीक है क्या करता है अथॉरिटी देता है उसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा अब डिसेंट्रलाइजेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो है सेंट्रलाइज्ड और दूसरी है डिसेंट्रलाइज्ड। देखिए सेंट्रलाइज्ड क्या होता है, वो अथॉरिटी जो किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब होता है जो अथॉरिटी टॉप लेवल अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट में डिवाइड कर देता है, दे देता है, जितने भी ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनको क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास जो भी अथॉरिटी है उसकी वो क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए वही प्रिंसिपल अपनी कुछ अथॉरिटी अपने टीचर्स को दे देता है, सारे ही टीचर्स को थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी डिवाइड कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड। समझ में आ गया? सेंट्रलाइज्ड मतलब जो टॉप लेवल के लिए होती हैं अथॉरिटी, और डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जो टॉप लेवल अपने लोअर लेवल्स को डिवाइड कर देता है, दे देता है। सो अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें आता है फर्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ वर्कलोड ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव। डिसेंट्रलाइज्ड क्यों किया जाता है, पहला इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे टॉप एग्जीक्यूटिव जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनका जो वर्कलोड होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि उन्हें अथॉरिटी मिलती है तो वो अच्छा काम करेंगे और उनका भी खुद का भी डेवलपमेंट होगा। थर्ड वन है सबॉर्डिनेट विल बी मोटिवेटेड। इससे ये भी होता है अगर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी अथॉरिटी दे रहा है तो सबॉर्डिनेट क्या होता है, मोटिवेट होता है और अच्छा काम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। अथॉरिटी देने की वजह से फटाफट जिसको जो डिसीजन सही लगता है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेकर के उस काम को इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट है प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मल वे में नहीं होते जिसकी वजह से एम्प्लॉय या सबॉर्डिनेट अपना इनिशिएट आगे बढ़कर काम करता है और अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाता है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अगर अथॉरिटी दे दी जाती है इससे सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करता है और उस काम को पूरा करता है। एंड द लास्ट वन इज़ बेटर कंट्रोल। इससे क्या है, चीज़ें कंट्रोल रहती है और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अच्छी ग्रोथ हो पाती है। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ये पढ़ लेते हैं हम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनिंग आ जाती है डेलीगेशन में, मीनिंग का मतलब क्या है। देखिए मीनिंग क्या है डेलीगेशन की, इंट्रस्टिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन इंडिविजुअल टू अदर। एक अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इंडिविजुअल दूसरे को देता है, जैसे कि मैंने आपको अथॉरिटी दी और आपके लिए क्या बन गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। डिसेंट्रलाइजेशन में मीनिंग का मतलब मीनिंग क्या है, सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिक वे में आप क्या करते हो, अपनी अथॉरिटी को अलग अलग हिसाब से डेलीगेट करते हो, लोगों को देते हो। नेचर की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन में क्या है, इंडिविजुअलिस्ट है, यानी कि हम क्या करते हैं, अथॉरिटी किसी एक इंडिविजुअल को देते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर हम बात करें तो टोटलिस्ट अंडर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, यानी कि जितने भी लोग हैं उन जितने भी टोटल लोग होते हैं उनको थोड़ी थोड़ी हम क्या करते हैं, अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं, यानी कि काम देते हैं, अथॉरिटी देते हैं। स्कोप की अगर हम बात करें तो लिमिटेड एज इट इज़ इंडिविजुअलिस्ट। स्कोप की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन में स्कोप बहुत कम होता है,
क्यों? क्योंकि अथॉरिटी कुछ ही लोगों को मिल पाती है, लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन में बात करें तो वहाँ पर स्कोप ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर किसी को अथॉरिटी मिल जाती है. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स विद द सुपीरियर. रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर के लिए हमेशा उसके साथ रहती है, क्योंकि उसके साथ देखिए उसने अपनी अथॉरिटी तो दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास उसकी जिम्मेदारी भी है कि भाई मैंने जो काम दिया है वो करेगा या नहीं करेगा, गलत तो नहीं कर देगा, सही तो नहीं करेगा. तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सुपीरियर के पास भी रहती है. लेकिन अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन में बात करें तो एग्जीक्यूटिव इज़ रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी अप टू अ सर्टन एक्सटेंट. डिसेंट्रलाइजेशन में अगर एक बार अथॉरिटी दे दी तो कुछ समय के लिए जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिलीफ में आ जाते हैं, यानी कि आराम रेस्ट में आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने इसको काम दे दिया, हमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अब ये जाने और इसका काम जाने, ठीक है, तो उसको छोड़ देता है और ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेता है. इफेक्टिवनेस, अगर इफेक्टिवनेस की बात करें तो डेलीगेशन में पॉसिबल एंड इफेक्टिव इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. डेलीगेशन में इफेक्टिवनेस पॉसिबल होता है और ऑर्गेनाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन में बात करें तो इफेक्टिव इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्ट होता है उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. रिलेशनशिप की बात करें तो स्टैब्लिशेस सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. अगर डेलीगेशन में हम बात करें तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बन जाता है, एस्टैब्लिश होता है. और डिसेंट्रलाइजेशन में बात करें तो क्रिएशन ऑफ सेमी ऑटोनॉमस यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा बहुत ऑटोनॉमस यूनिट्स क्रिएट होता है, यानी कि थोड़ा बहुत रिलेशन बन पाता है. क्यों? क्योंकि देखिए उसने तो क्या करा है, अपनी अथॉरिटी सब लोगों में थोड़ी थोड़ी बांट दी है, ठीक है, तो इतना टाइम तो नहीं है ना कि वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशन सबके साथ बना पाए. लेकिन डेलीगेशन में वो इंडिविजुअल कुछ ही लोगों को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा या अथॉरिटी देगा तो वो इंटरेक्शन करने का उसको मौका भी मिल सकता है, ठीक है. सो दिस इज डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन. मैं आपको बता चुकी हूँ, आप सिंपल शब्दों में ये समझ लीजिए, डेलीगेशन मतलब होता है एक ऐसी अथॉरिटी जो हम एक इंडिविजुअल को देते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला अपने लोअर लेवल्स में वो जिम्मेदारियों को बांट देता है, ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन में ये भी याद रखिएगा दो तरह का होता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन मतलब वो अथॉरिटी जो टॉप लेवल के पास है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो अथॉरिटी जो टॉप लेवल वाले अपने लो लेवल में लोगों को डिवाइड करके बांट देते हैं. नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीट दिस होल चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी नाइसली एंड क्लियरली. इफ यू हैव एनी ऑफ द डाउट यू कैन डू अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई कैन रिप्लाई, ठीक है. नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.